अगर आपको ग्लोइंग एंड ग्लास स्किन चाहिए, साथ ही आप अपनी स्किन को लाइटिंग ब्राइटिंग बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने फेस को निखारना चाहते हैं, तो इस होम रेमेडी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? सो गाइस, मेरे चैनल नेचुरल स्किन केयर 517 में सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी, अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं, आपके फेस में बहुत ज़्यादा डलनेस की प्रॉब्लम हो गई, आपके फेस का निखार कहीं खो ही गया, जैसे कि अभी विंटर का टाइम खत्म हो गया और समर स्टार्ट हो गई है। क्या होता है, समर में हम थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं तुरंत ही टैनिंग पकड़ लेती है। आपके फेस में, आपके हाथ पैरों में टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। इंस्टेंट देखोगे कि आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप अपनी स्किन को लाइटिंग ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग बनाना चाहते हैं, साथ ही ग्लोइंग एंड ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं, तो इस पैक को जरूर ट्राई करिए, बहुत अच्छे गाइस आपको रिजल्ट मिलने वाले। तो आपके साथ फटाफट से शेयर कर देती हूँ कि मैं इसे क्या यूज करने वाली हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दही ले रखा गया था, दही को छन्ने में डाल दिया था कि जो एक्स्ट्रा पानी है इसका वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा दही बिल्कुल गड्ढा दही आप यूज करोगे ना, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर इस दही का हो चुका है। तो पहले आपको क्या करना, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेना है, तो आपको इस तरीके से कम क्वांटिटी में लेना है अपने हाथ में और अपने पूरे फेस में अच्छे से मसाज करनी है। तो गाइस, आपको यहाँ पे अपने पूरे फेस में अच्छे से 5 से 10 मिनट मसाज करना है। आप इस ओनली दही से भी अगर आप मसाज करोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी ग्लास स्किन हो जाएगी, आपके फेस में ना ही कोई दाग धब्बे रहेंगे, ना ही पिंपल की प्रॉब्लम होगी। अगर एजिंग की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आपके फेस में होगी, उसको भी कम करेगा, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं तो रात में आप दही लगा के और 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना नाइट क्रीम वगैरह जो भी आप यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, कुछ ही दिनों में आप देखोगे ना आपके सर्कल गायब हो जाएंगे, क्योंकि दही में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। सो गाइस, यहाँ पे मसाज करने के बाद मैंने अगेन गीली हैंकी लिया, उसके बाद पूरा अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया और रिजल्ट आप देख सकते हो, काफ़ी हद तक मेरे फेस में पहले ज़्यादा ग्लो साइन आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद हम यहाँ पे पैक लेंगे, लेकिन पैक विथ स्क्रब। तो यहाँ पे मैं चावल का आटा ले रही हूँ, यहाँ पे पहले मैंने दही लिया, दही में आपको डालना है चीनी, आधी चम्मच मैंने चीनी डाला है, इससे भी आपके ग्लास स्किन पाने में काफ़ी हद तक आपकी मदद होती है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे चावल का आटा। अभी तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको बनाना है एक बढ़िया सा फेस पैक। गाइस, जिसको हम पहले यूज करेंगे स्क्रब की तरीके से, जैसे आप स्क्रब करते हो ना नॉर्मल उसी तरीके से स्क्रब, तो यहाँ पे हमारा स्क्रब भी हो जाएगा। तो ताकि अच्छे से 5 मिनट तक मैं अपने पूरे फेस में अच्छे से मसाज करूँगी, स्क्रब करने के बाद इसको पैक के तरीके से लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हफ्ते में 2 बार गाइस लगाओगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आर स्किन टाइप है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी एज कोई सी भी हो आप लगा सकते हो, अगर आप लड़के हो तो भी आप लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दही में आप सबको पता है कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जितनी भी आपकी जो आपकी स्किन में डेड स्किन हो जाती है ना, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है, साथ ही आपकी फेस की झुर्रियाँ एजिंग की समस्या को दूर करता है। तो इसको आपको हफ्ते में 2 बार इस पैक को लगाएंगे तो आप ना ग्लास स्किन जो आपको चाहिए वो आसानी से मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो, सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे भी छुटकारा दिलाने में काफ़ी हद तक आपकी मदद करता है दही। तो अगर आपको सनटैन की प्रॉब्लम हो गई है तो दही आप लगा सकते हो, इसे आपको ठंडक भी मिलेगी, साथ ही आपके फेस में निखार भी आएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, रूखी सूखी बेजान हो गई, तो उसको निखारने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप अपनी स्किन को लाइटिंग ब्राइटिंग बनाना चाहते हैं तो आपको ये फेस पैक जरूर ट्राई करना चाहिए। साथ ही गाइस, हमने इसमें डाला चावल का आटा। आप सबको पता कि चावल का आटा हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होता है, मतलब अगर चावल का आटा आप यूज करते हो ना तो आपके फेस के जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको रिमूव करता है। चावल के आटा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स एंड फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो चेहरे की कई सारी समस्याओं को दूर करने में हेल्प करता है। समर के टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा आपके फेस में जब पसीना आता है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, एक्सेस ऑयल निकालने में भी आपकी हेल्प करता है। तो आपको चावल का आटा एंड दही दोनों को मिक्स करके हफ्ते में 1 से 2 बार यूज करना चाहिए, बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए इसको यूज करना चाहते हो तो अपने हाथ पैरों में, नेक में भी आप इसको यूज कर सकते हो। गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने अपने हाथों में यूज किया, काफ़ी हद तक आपको पहले से ब्राइट मेरे हाथ लग रहे होंगे, साथ ही मेरा फेस। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 मिनट बाद मैंने अपना पैक निकाला, तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो कि पहले ज़्यादा निखार मेरे फेस में आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है तो आप इसको यूज करके अपनी स्किन को ब्राइट बना सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कर लिया अपना फेस क्लीन, नॉर्मल पानी से अपना मैंने फेस क्लीन किया, तो आप देख सकते हो मेरे फेस में अभी कुछ भी नहीं है,
लेकिन फिर भी आपको मेरे फेस में ग्लो नजर आ रही होगी, शाइन नजर आ रही होगी। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो बहुत अच्छे आपको बेनिफिट मिलने वाले। सो गाइज इस समय ये मेरा करंट ग्लास स्किन पाने का जो सीक्रेट है वो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि करंट ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे इसके बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो आप भी अगर ग्लास स्किन पाना चाहते हैं, ग्लास एंड ग्लोइंग स्किन, साथ ही लाइटिंग ब्राइटिंग स्किन, तो इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी होम रेमेडी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो, थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, आप भी पूरी वीडियो देख भी ली, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एक नई स्किन केयर के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।